मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल बी लर्निंग अ न्यू टॉपिक साइट वर्ड्स। वी विल ऑल्सो बी रिवाइजिंग द ए साउंड वर्ड्स एंड हाउ टू यूज द साइट वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। चिल्ड्रन, टेक आउट योर फोनिक रीडर एंड ओपन टू पेज नंबर 30। राइट डेट एंड CW ऑन टॉप। Today we will be taking a new topic, sight words. Now, what are sight words? Sight words are often also called as high frequency words. They are also called as high frequency words because they are commonly used words. Children are encouraged to memorize these words so they can automatically recognize them and use it appropriately in sentences. Now let us see some sight words given in our phonic reader. A, S, 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 H, A, S, has, H, A, S, has, M, Y, my, M, Y, my, B, Y, buy, B, Y, buy, I, S, is, E, S, is, H, I, S, his, H, E, S, his, T, H, E, the, T, H, E, the, Y, O, U, U, Y, O, U. So we have seen all these words and read it spelling wise as well as phonetically. Now we will be writing all these words, the sight words, in our notebook. So let us take our notebook, write date and CW, and we will be drawing a flower and we will write as, A, S, as. Second sight word is has, H, A, S, has. Then we will draw another flower. Write M, Y, my. The next word is B, Y, by. Then similarly, we will be writing another word, I, S, is. Next word, H, I, S, his. The next word is the, T, H, E, the. And the last sight word is U, Y, O, U, U. So children, these are the 8 sight words
which we have in our phonic reader. There are many more sight words. So, let's read these words and say it once again. As has my by is his the you. Now let's read these words in sentences. Now read. He is Pat. ये कौन है? Pat. That is my bag. ये मेरी bag है. The jam is on the mat. Jam mat के ऊपर है. Pat has a cat. Dad has a cat in his lap. So, can you find the sight words in this sentences? Yes. Is a sight word. Similarly, is my, on, the, these are all sight words. Has, his, all these are sight words. So, now we know what are sight words. Sight words are high frequency words which we use frequently in the sentences. Children, take out your sunshine book and let's revise some A sound words. Open to page number 28. Write date and CW on top. A sound words. A sound words. Let's read them. A N N. A N N. P A N pen. पेन यानी मम्मी जिसमें सब्जी बनाती है. और ये है एम ए एन मैन. मैन यानी आदमी. नेक्स्ट इज ए पी एप. एप एप. ये कौन सा पिक्चर है? N A P nap. Nap यानी सोना. और ये क्या है? C A P cap. Cap यानी टोपी. आपको पहननी अच्छी लगती है ना? The next word is car. हम कौन से कर रहे हैं? ए आर वर्ड्स. तो ये है कार. सी ए आर कार. रेड रेड कार है ना? हमको बैठना अच्छा लगता है कार में. ब्रूम 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 जाती है रोड पे. और ये है जार. जे ए आर जार. जार यानी एक बरणी. तमारी मम्मी अंदर अथाणू भरे छे, मीठू भरे छे, इने सु केवाय जार. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रैट. 80 वर्ड्स करेंगे. आर ए टी रैट. और ये है कैट. सी ए टी कैट. कैट यानी बिल्ली. रैट यानी चूहा. तो ये सब वर्ड्स हमने फोनिक रीडर में सीखे हैं ना? तो
लेट्स रीड सम मोर वर्ड्स। ओके, तो ये हम 80 वर्ड्स पढ़ेंगे। हैट, कैट, रैट, मैट, सेट। अभी ये आए एपी वर्ड्स, कैप, लैप, टैप, सैप, गैप। ये है एएन वर्ड्स, कैन, बैन, टैन, वैन, फैन। ये है एएम वर्ड्स, जैम, डैम, सैम, रैम, यम। और ये है एजी वर्ड्स, बैग, लैग, सैग, रैग, टैग। तो ये और हमारे ए साउंड वर्ड्स है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है? सेंटेंसेस। अभी हमने साइट वर्ड्स भी सीख लिए हैं, हमने ए साउंड वर्ड्स भी सीखे हैं, तो आगे हम क्या सीखेंगे? सब वर्ड्स को साथ में पढ़ना, और सब वर्ड्स जो मीनिंगफुल हो वो साथ में पढ़ने से पूरा सेंटेंस बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे ए साउंड सेंटेंसेस, सेंटेंसेस जिसमें ए साउंड वर्ड्स हो। ओके, सो लिसन एंड रीड, देन मैच ईच पिक्चर विथ इट्स करेक्ट सेंटेंस। हमें इसमें क्या करना है? हमको सुनना है और पढ़ना है, और फिर हमको हर एक पिक्चर हर एक सेंटेंस के साथ जो सही है उसके साथ मैच करना है। तो लेट्स रीड द सेंटेंसेस। सैम हैज अ बैग। अभी ये पिक्चर्स में ऐसा कौन सा पिक्चर है जहां पे सैम के पास बैग है? ये रहा, ये लड़का सैम है और उसके पास बैग है। तो ये सेंटेंस को हम इसके साथ जोड़ देंगे। आप लोग सब जोड़ रहे हो मेरे साथ? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द हैट इज ऑन हिज लैप। अभी ये सब पिक्चर्स हम वापस देखेंगे। कौन सा ऐसा पिक्चर है जो उसके लैप में हैट है? ये रहा। तो ये सेकंड सेंटेंस हम जोड़ेंगे इसके साथ। ये हैट है वो उसके लैप में है। द थर्ड सेंटेंस इज, द मैन हैज अ कैप। आदमी के पास कैप है। तो ये रहा वो पिक्चर। तो ये सेंटेंस को हम जोड़ेंगे इसके साथ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द बैग हैज अ टैग। बैग के ऊपर टैग लगा है। तो वो कौन सा पिक्चर है? ये रहा। तो इसको हम जोड़ेंगे बैग के साथ। बैग के ऊपर टैग लगा है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द बॉल इज इन द हॉल। जो बॉल है वो हॉल के अंदर है। तो वो कौन सा पिक्चर है? ये वाला कि ये वाला? यहाँ पे बॉल है और ये बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर बॉल है। तो वो हम जोड़ेंगे ऐसे।
और लास्ट सेंटेंस है द फैट कैट सैट ऑन अ मैट। एक मोटी सी बिल्ली मैट के ऊपर बैठी है, तो उसको हम जोड़ेंगे ऐसे। तो ये हमारे पिक्चर्स के साथ हमने उसके रिलेटेड सेंटेंसेस जोड़ दिए हैं। ओके, सो आप ये वापस रिवाइज करना मम्मी पापा के साथ बैठ के। चिल्ड्रन, टेक आउट योर फोर लाइन नोटबुक एंड वी विल बी राइटिंग ए साउंड वर्ड्स इन नोटबुक। राइट डेट एंड सी डब्ल्यू। द फर्स्ट वर्ड इज बी ए जी बैग। ब ए ग बैग। बैग यानी हमारी स्कूल बैग या फिर दूसरी बैग जो हम ट्रैवलिंग में यूज करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज टी ए जी टैग। टैग यानी छोटा सा लेबल जो हम बैग के ऊपर या कोई भी और चीज पे लगाते हैं। द थर्ड वर्ड इज जे ए एम जैम। ब्रेड के साथ जो हम लगा के खाते हैं उसे जैम कहते हैं। हम जैसे बटर लगाते हैं वैसे जैम भी लगाते हैं और रोटी के साथ भी हमें खाना अच्छा लगता है। तो ये तीन वर्ड्स आप पूरी लाइन एंड तक लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय।